घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ऐसा करें एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बचपन, खुल के हर छोटी बात पर हंसना, खुले मैदान में दौड़ना, उछलना कूदना, गिरकर फिर संभलना, रूठना और फिर पल भर में बिना किसी के मनाए मान जाना, सीखना पढ़ना लिखना, सपने देखना खुली आंखों से। बचपन ईश्वर का पर्याय। उन्मुक्त जीवन पर जब काम का भार आ जाता है, कोमल हाथों में कलम पेंसिल कूची के बदले जब औजार और झाड़ू पकड़ने की बाध्यता आ जाती है, तो बाल मन का भोलापन कटुता से भर जाता है। आंखें सूनी निस्तेज हो जाती हैं और इसे कहते हैं बाल दास्ता या चाइल्ड लेबर। भारत में हर 11 बच्चे में से एक बच्चा मजदूरी कर रहा है। बाल दास्ता के इस अन्यायपूर्ण प्रचलन से समाज को मुक्त करने के लिए नालसा ने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इन बच्चों के बचाव के साथ साथ पुनर्वास और आश्रय भी दिया। इनमें बचपन बचाओ आंदोलन संस्था का योगदान महत्वपूर्ण रहा। सफाई करने के बाद भट्टी के अंदर जाता है, पाउडर लगता है, पाउडर लगने के बाद फिर भट्टी के अंदर जाता है, भट्टी के अंदर चूल्हा जलाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से निकलता है, फिर वहाँ से फिर दूसरा जगह में आता है, फिर वहाँ फिर माल गिनती करके बांधना पड़ता है, गड्डी बांधना पड़ता है, फिर लोड करना पड़ता है। घूमने के लिए आया था लेकिन मैं काम करने लगा, मेरा मामा काम पे लगा दिया। 8 बजे काम पे आते थे, 8 बजे रात में काम छोड़ देते थे। कभी कभी बाहर जाना पड़ता था सामान लाने के लिए, कभी कलर डलवाने, कभी सेट लगाने जाना पड़ता था। हमेशा बच्चे इनोसेंट होते हैं। And always the child is a father of men, that sentence is absolutely true and correct. They are always misused by the major persons. Children in need of care and protection. Jo bachche railway station se mil jaye ya koi bhi raste par se mil jaye, they have not done anything to anybody. But iska koi sahara nahi hai, waise logo ko hum jagah dete hain, rehne ki jagah, khane ka, peene ka, kapde, padhai vagaire hum dekhte hain, जिसको बोला जाता है चिल्ड्रन होम। लीगल एड अथॉरिटी और हम लोग मिलकर जो बच्चों की मुक्ति का प्रयास करते हैं, तो 2009 से लेके अब तक करीब 3,800 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया दिल्ली अकेले से। और ये बच्चे ज़्यादातर बाल दुर्व्यापार या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार थे, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर या यूँ कहिए कि बाल दास्ता के शिकार थे। जब से ये बच्चों पर एक स्पेशल एक सेल बनने से बच्चों को उनके जो अधिकार हैं, जो लीगल राइट्स हैं और उनके जो भी लीगल राइट्स हैं, उसके थ्रू एक लड़ाई की शुरुआत हुई है। और उस लड़ाई से उन बच्चों के जो कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं उसको लड़ने में मदद मिली है, उन बच्चों को ऐसी जगह से छुड़ाने भी मदद मिली है जहां पर उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता था। पेरेंट जब जाके पुलिस स्टेशन में बताता कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, वो उससे पहले एक लीगल चीज़ नहीं थी, वो एक कंप्लेंट ही थी कि मिलेगा तो देख लेंगे। तो अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उसको आगे जाके ऐसा ऑफेंस बना दिया है कि अब बच्चा बच्चा किसी भी ऐसे ऑफेंस से नहीं शिकार बनता जो पता ना चले। तो वो लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा है कि ऐसे भी ऑफेंसेज जो पहले ऑफेंसेज नहीं थे, अब वो ऑफेंसेज माने जा रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके। पहली बार ऐसा हुआ कि न केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय बल्कि न्यायपालिका के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदयगण और हाई कोर्ट के लोग, इसके अलावा प्रशासन के स्तर पर केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग और जो बाल अधिकारों के लिए संरक्षण आयोग बने हैं उनके अधिकारीगण सब इकट्ठे हुए और पहली बार हम लोगों ने इस पर मिलजुल कर एक चर्चा की और एक ठोस एक रिपोर्ट बनाई कि कैसे बच्चों का पुनर्वास होना चाहिए, किस तरह सरकार की भूमिका होनी चाहिए, किस तरह समाज की भूमिका होनी चाहिए और न्यायपालिका को उसको कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ये अभी हाल में ही हुआ है। उन्होंने बच्चों से लगातार बात कर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया, संबल दिया कि जीवन में उम्मीद की किरण अभी बाकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां बचपन की अटखेलियों को खूबसूरती से बयां करती हैं। चिंता रहित खेलना खाना, वो फिर ना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित
आनंद। यहाँ से फिर पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ फिर खेलते हैं, खाना मिलता है, अच्छे से रहना मिलता है। मैं पढ़ लिख के पुलिस बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा स्कूल में, फिर मैं यहीं से फिर मैं फौजी बनूंगा। दोस्तों पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलशितां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आस पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आस पर हक हमारा भी तो है। न्याय सबके लिए।